मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए, एक ही जगह देखते। बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं, इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने जवाहर सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए, एक ही जगह देखते। मान्यवर दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है, क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है, संवेदनशील हृदय। मान्यवर कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार किया? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रमक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे, मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे, सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं, दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग। ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग। मान्यवर एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं,
किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए, परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, दो दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए, रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है? और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब ये अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और मैं बताता हूं माननीय, ये कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि ये मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं, दो सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकती है, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ओन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इस तरह से नहीं चलता है इतिहास। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दिग्विजय सिंह, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है।